Students, how are you all? I hope this video finds you fit and fine. Students, in this chapter, we are going to study about alcohol, phenol and ether. This is 11th chapter of your 12th class. तो बच्चों हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में हम सबसे पहले स्टडी कराएंगे अबाउट एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. तो सी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई एलिफेटिक कंपाउंड है और उसमें से अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और इसकी जगह अगर ऑक्सीजन को ऐड कर दें, जैसे कि मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ उस हाइड्रोजन को, तो एक हाइड्रोजन को अगर आप सिंगल OH से रिप्लेस कर दें, यहाँ पे OH ऐड कर दें, तो ये क्या फॉर्म कर देगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्कोहल. तो एल्कोहल कैसे बनता है? अगर आप एलिफेटिक कंपाउंड में अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, ठीक है. उसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, मतलब बेंजीन रिंग के अंदर, आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसकी जगह एटलीस्ट एक OH ग्रुप को ऐड कर लें, तो आपको क्या मिलेगा? AROH, और इसको हम बोलते हैं फिनॉल. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैं, दीज आर दी हाइड्रोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये क्या हैं? हाइड्रोऑक्सी डेरिवेटिव्स किसके? हाइड्रोकार्बन के. ठीक है, तो ये हैं हाइड्रोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. नाउ स्टूडेंट्स सी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमने जब एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो अल्कोहल बना, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, बेंजीन के अंदर डायरेक्टली अगर OH जुड़ा होता है तो क्या होता है? फिनॉल. तो आपको ये चीज़ बहुत जाननी ज़रूरी है कि अगर हम एलिफेटिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड लेते हैं और उसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह क्या ऐड कर देते हैं? OH, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल. ठीक है, और उसी तरीके से अगर हम एरोमेटिक रिंग से, जो कि इस केस में हम ले रहे हैं एरोमेटिक, ठीक है, हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल, द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, ये फिनॉल बन गया है. लेकिन बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अगर ये OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा है, तो उस केस में हम उसको फिनॉल नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल्स. ठीक है, अगर एरोमेटिक रिंग से ये जो OH है इज नॉट डायरेक्टली अटैच, अगर ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अल्कोहल. जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए सपोज हमारे पास में है CH4, ठीक है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया? OH, तो हमको मिलेगा CH3OH, तो ये हमारे पास में हो गया अल्कोहल. ठीक है, हमारे पास में अगर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसकी जगह हमने अगर OH जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में बन जाएगा फिनॉल. ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारे पास में टॉलिन है, ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग है और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है. अब इस CH3 से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह OH को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? CH2OH. तो अब देख लीजिए, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? दीज आर एरोमेटिक अल्कोहल्स. ये हमारे पास में है फिनॉल, क्योंकि ये डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है. ठीक है, और ये हमारे पास में हो गया एलिफेटिक अल्कोहल. ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और फिनॉल एंड एरोमेटिक अल्कोहल के बीच में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो ये है सिंपल अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में. तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर दी हाइड्रोऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन सिंपल वर्ड्स.
ओके, सो इन जनरल हम अल्कोहल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ROH के फॉर्म में, एंड फिनॉल्स को हम AROH, यहाँ पे ये AR बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी कि एक ही कंपाउंड में क्या एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं. हम बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड कि जब हम मोर देन वन OH की बात करते हैं, ठीक है, मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अगर मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है किसी भी कार्बन से, तो बच्चों वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. मान लीजिए कि इस कार्बन के साथ में ये दो H जुड़े हुए हैं ग्रुप, और यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज CH3 ले लीजिए और यहाँ पे H ले लीजिए, तो अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि कभी भी एक कार्बन पे दो OH ग्रुप साथ में अटैच नहीं हो सकते. अगर ऐसा कोई केस होता है कि एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये क्या कर लेंगे, बहुत ही जल्दी वाटर को लूज़ कर लेंगे. दे विल लूज़ वाटर. कैसे लूज करेंगे, ये जो OH है और ये जो H है, ये मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और बाहर निकल जाएगा. और उस केस में जब वाटर रिमूव होता है, जब वाटर बाहर निकलता है, तो उस केस में यहाँ पे तो क्या बना रहा है, देख लीजिए CH3 कार्बन H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसने बना दिया है एल्डिहाइड. ठीक है, तो जब भी एक ही कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल. दे विल लूज वाटर, एंड देन आफ्टर लूजिंग वाटर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर वो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं. चलो हम एक एक एग्जाम्पल सबका देख लेते हैं. हमने यहाँ पे एल्डिहाइड तो देख ही लिया है. अब अगर ये कार्बन पे, अगर यहाँ पे हम वापस से कार्बन ले लें, ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, CH3. अभी मैंने इस हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया, और मान लीजिए कि यहाँ पे है टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो वापस से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O. अब क्या मिलेगा हमें, कंपाउंड हमें जो मिलेगा वो मिलेगा CH3 कार्बन, यहाँ पे क्या आ गया, CH3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन बचा है सिर्फ, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. पहले एल्डिहाइड मिला, अब क्या मिल गया हमें, कीटोन. ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे इस कार्बन से थ्री OH ग्रुप जुड़े हुए हो, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ इन केस ये जो कार्बन है इससे थ्री OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, OH, and OH, और यहाँ पे आप मान लीजिए, या फिर कुछ भी H हो सकता है, या फिर आप कार्बन ग्रुप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया है. ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, मैंने पहले ही बताया, जब भी मोर देन वन OH प्रेजेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है, ये हमारे पास में है OH, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो देखिए क्या होगा, हमको मिलेगा एसिड. कैसे, देख लीजिए CH3C, यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास में OH एज इट इज बच गया है. तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा, CH3 कार्बन कार्बन, OH इज इंटैक्ट, और ये जो O है ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, सिंपल है एकदम. तो इसी तरीके से बच्चों, आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट कि अगर एक ही कार्बन से एक से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, एंड दे विल लूज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके वो क्या बना सकते हैं, दे कैन फॉर्म एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोऑक्सिलिक एसिड. हमने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल देख लिया है, एल्डिहाइड कब बनेगा, कीटोन कब बनेगा, और कार्बोऑक्सिलिक एसिड कब बनेगा. ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि सिर्फ एक ही कार्बन पे कभी मोर देन वन OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं. दे विल लूज वाटर मॉलिक्यूल एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ.
Now see students, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन या तो हाइड्रोजन से अटैच्ड होना चाहिए या फिर कार्बन से, ठीक है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन या तो हाइड्रोजन से ही अटैच्ड हो, या तो सिर्फ कार्बन से अटैच्ड हो, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच्ड हो, उस केस में तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, अल्कोहल्स, ठीक है। उस केस में तो हम क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास में अल्कोहल। जैसे इसको हम बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल, दिस इज द इथाइल अल्कोहल एंड दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों को क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन या तो सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या सिर्फ कार्बन से जुड़ा हुआ हो, या फिर इन दोनों से जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में तो हम इनको बोलेंगे अल्कोहल। लेकिन अगर हाइड्रोजन या कार्बन के अलावा कोई तीसरा ही एलिमेंट हो, कोई दूसरा ही एलिमेंट हो, तो उस केस में हम उसको अल्कोहल नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो कार्बन OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ वहाँ तक तो ठीक है, बट आप देखिए नेक्स्ट ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। अगर ये कार्बन से जुड़ा होता या हाइड्रोजन से जुड़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे ये किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से, तो हम इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अल्कोहल, ठीक है। आप खुद जानते हैं ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक ग्रुप है ना। इन द सेम वे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, फेयर इनफ, CH3 से सेटिस्फाइड है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट देखिए इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है वो NH2 से सेटिस्फाइड है, नाइट्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो अगेन ये अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है, तो ये भी अल्कोहल का एग्जाम्पल नहीं है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन की जो बाकी वैलेंसीज है, रेस्ट 3 वैलेंसीज है, वो या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो सारे के सारे, या तो कार्बन से, या फिर हाइड्रोजन या कार्बन से, बट उसके अलावा अगर कोई अदर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर कोई अदर एलिमेंट्स हैं तो उस केस में वो अल्कोहल नहीं होगा, उस केस में वो अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, एंड दैट इज टू इज वेरी सिंपल, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर कार्बन से सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कार्बन से अगर सिर्फ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अगर कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए हों, अगर कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़े हुए, मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में आपके पास में टू OH ग्रुप है, बाकी वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देते हैं हाइड्रोजन से, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में टू OH ग्रुप है, अगर टू OH ग्रुप है बच्चों, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल, यहां हम बोलेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है, डाय मतलब टू, ठीक है, और यहाँ पे दो अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक अल्कोहलिक ग्रुप ही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पे केस दिखता है जहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो एक ही कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH2OH, CH2OH एंड अगेन CH2OH, बच्चों यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि ये वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, सो इट्स CHOH, तो हमारे पास में ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने OH है यहाँ पे हमारे पास में एक ही कंपाउंड में, 1, 2, 3,
थ्री, यहाँ पे थ्री ओएच ग्रुप है एक ही कंपाउंड के अंदर, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, जब एक ही कंपाउंड में तीन हमारे पास में एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। इसी तरीके से अगर उससे भी ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो अगर मोर देन थ्री होगा तो उस केस में हम उसको बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, मतलब पॉली मतलब मैनी, अगर ज़्यादा अपने हमारे पास में अल्कोहल है मोर देन थ्री तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे हमने ये जो लिखा है जहाँ पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट है विद इन द सेम कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको हम जनरली बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो आपको ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये है हमारे पास में इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। और जब हमारे पास एक ही कंपाउंड में थ्री ओ एच है, ठीक है, ये जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है हमारे पास में ग्लिसरॉल का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जनरल नेम क्या है, ग्लिसरॉल। अगर IUPAC नेम की हम बात करें, UPAC नेम की हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3-triol, ठीक है, क्योंकि तीन कार्बन है इसलिए प्रॉप, ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एंड 1,2,3-triol, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या है, दो कार्बन है तो इथेन, ठीक है, और 1,2-diol। बच्चों जो IUPAC नेम है इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है और उसमें मैंने टू दी पॉइंट सारी बातें समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, अगर एक कंपाउंड में दो OH है तो डाईहाइड्रिक, एक कंपाउंड में थ्री OH है तो ट्राईहाइड्रिक, इसी तरीके से अगर एक कंपाउंड में थ्री से ज़्यादा OH है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सो ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टू विच OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, जिससे वो अटैच्ड है हम उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो है कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके अंदर सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी एल्कोहल्स। इसके अंदर जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी एल्कोहल। देखिए अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी एल्कोहल क्या होता है, आप ऑलरेडी हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो वो कार्बन अगर सिर्फ एक कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे मिथेन लिख दिया, इस मिथेन की जगह हम सिंपल जनरल टर्म लिख देते हैं अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बाकी जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। उसी तरीके से जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, हमें बस मतलब इस चीज़ से कि ये कार्बन दो कार्बन से अटैच्ड है और इसकी जो फोर्थ वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे 2 degree या फिर इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे थर्ड क्या है, बहुत सिंपल है, अगर जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर 3 alkyl ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, मतलब उस पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो उस कार्बन के पास, ठीक है, 3 alkyl ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे टर्जरी
या फिर 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल, सिंपल। अब जो ये हो गया फर्स्ट डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर टर्शरी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट आप देख लीजिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, उसकी सारी की सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड हो, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो, तो इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो आपको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और 0 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 0 डिग्री अल्कोहल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारे क्या है, ये इन अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन कौन से हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, इनके पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है ना। हम देख सकते हैं सिग्मा 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, मतलब इसके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। तो ये क्या हो गए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। नोटिस करना है बच्चों, sp3 जो हाइब्रिडाइज कार्बन है उसमें जो कार्बन है उसके पास सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, इसकी जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आता है तो इसको नोटिस कर दिए कि जिस कार्बन, जो कार्बन है उसके अगर चारों की जो चारों वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है तो उस केस में वो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा कार्बन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इसी में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं sp3 कार्बन के अंदर ही। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल की जो हम बात करते हैं, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारे पास में एलाइलिक अल्कोहल्स। एलाइलिक अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझना है इसको। तो देखो, एलाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये जो ग्रुप है बच्चों हमारे पास में, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम इसलिए बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन से, ठीक है। अब इसकी हम वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे पास में CH2, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया एलाइलिक अल्कोहल, और ये जो मैंने ग्रुप ग्रीन लाइन से शो किया है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास में है एलाइलिक ग्रुप, और क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अगर यहाँ पे कोई और ग्रुप जुड़ा होता है, हैलाइड होता, तो ये यहाँ पे हम हैलाइड यूज़ कर सकते थे, हैलोजन वर्ड यूज़ कर सकते थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इस एलाइलिक अल्कोहल को अगेन मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए, ये जो केस है, इस केस में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो इसको हम बोल सकते हैं ये किसका एग्जांपल है, 1 डिग्री का, ठीक है। इसी को मैं 2 डिग्री में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कैसे, जिससे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मैं एक और कार्बन से अटैच कर दूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं CH3 लगा देती हूँ, और ये आ गया हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2। तो देख लीजिए, अगेन हमारे पास में ये एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है, तो एलाइलिक अल्कोहल क्या हो गया, और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हो गया है, सेकेंड डिग्री। इसी तरीके से मैं इसकी ईयरली वैलेंसी जो है हाइड्रोजन, इसको रिप्लेस कर देती हूँ अगेन कार्बन से, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कार्बन OH यहाँ पर आ गया CH3, एलाइलिक ग्रुप में एज इट इज लगा देती हूँ वापस से, और ये जो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देती हूँ मैं किससे, CH3 से। तो देख लीजिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, 3 डिग्री अल्कोहल, वो भी कौन से हो गए, एलाइलिक अल्कोहल। 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल और 3 डिग्री या फिर टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जो sp3 कार्बन है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये जो कार्बन होता है जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन से, या फिर हम बोल सकते हैं sp2
कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक ग्रुप होना, ठीक है। और ये कार्बन sp3, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इसके पास सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे क्या है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे फोर के फोर क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये कार्बन कैसा है हमारे पास में, sp3। और ये किससे अटैच्ड है, ये sp2 से अटैच्ड है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि sp2 जो कार्बन है उसके पास में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। समझ में आ रही है ना बात, sp3 के पास में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन के पास, और जो sp2 कार्बन है उसके पास में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया एलाइलिक एल्कोहल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, इन द सेम टॉपिक जो है हमारे पास में बेंजाइलिक एल्कोहल। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज बेंजाइलिक अल्कोहल। अब वर्ड बेंजाइलिक से समझ में आ गया कि बेंजीन रिंग तो है ही, ठीक है। तो देखिए ये क्या है हमारे पास में, बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ है ये CH2 ग्रुप, और ये आ गया हमारे पास में OH, ठीक है। ये हमारे पास में एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। क्यों, क्या, ध्यान से देखिए बच्चों, ये बिल्कुल केस वैसा ही है जैसे हमने एलाइलिक में देखा था, लेकिन हम इसको बेंजाइलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेंजीन। अब मैं इस रिंग को थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देती हूँ, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, देख लीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन से। वो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड कार्बन से। पर ये डबल बॉन्ड कार्बन वाले में क्या है, रिंग है, पूरी एरोमेटिक रिंग है, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको बेंजाइलिक अल्कोहल दे दिया है। तो ये केस एलाइलिक जैसा ही, बट क्योंकि यहाँ पे बेंजिंग रिंग है इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया है, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब अगेन इस बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास में 1 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इस दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ किसी भी एल्काइल ग्रुप से। तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया है बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ गया है CHOH, और किसी भी एक H को मैंने रिप्लेस कर दिया है R के साथ में। तो देख लीजिए, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया है, 2 डिग्री, एक ये कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो कुछ भी नहीं करना है हमें, हमें ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देना है किसी एल्काइल ग्रुप से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन OH, R तो ऑलरेडी था, और इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी और एल्काइल ग्रुप से। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, डजेंट मैटर। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है ना, तो ये हो गया है 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक है, ठीक है, उसमें भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 OH बॉन्ड, ठीक है, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। sp3 हमने देख लिया है, अब हम sp2 का केस देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2, जो कार्बन होगा वो sp2 होगा जो OH से अटैच्ड है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों, वो है हमारे पास में विनाइलिक अल्कोहल। क्या है, विनाइलिक अल्कोहल। अब देखिए बहुत सिंपल है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो वो कार्बन खुद क्या हो, डबल बॉन्ड कार्बन, वो कार्बन खुद क्या हो, डबल बॉन्ड कार्बन, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उसको, विनाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया विनाइलिक ग्रुप और यहाँ पे जुड़ा हुआ है अल्कोहल, तो ये हमारे पास में हो गया है विनाइलिक अल्कोहल। तो हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो खुद कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड कार्बन, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे उसको, विनाइलिक अल्कोहल। अब बच्चों एक बार ध्यान से सुनना, आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि पहले जब हमने देखा था एलाइलिक की बात करी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था ये जो कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है खुद एक डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है विनाइलिक और एलाइलिक के बीच में। और दूसरी बात, हमने देखा था इस विनाइलिक के अंदर
ये जो कार्बन है इसके पास में क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये क्या था, sp3। और यहाँ पे जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है, sp2। ठीक है, तो अगर कार्बन के पास में एक भी डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दो डबल बॉन्ड है तो वो sp हो जाएगा, वो अलग केस है। अगर एक कार्बन के पास सिर्फ एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में कन्फ्यूजन है तो मैंने इसकी बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, वो मैं शेयर कर लूँगी आपसे। ठीक है, सो दिस इज दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और उसको हम बोलते हैं विनाइलिक एल्कोहल। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है फिनॉल। ठीक है, तो हम चल रहे हैं हम नेक्स्ट फिनॉल की तरफ। अब बच्चों देखो, फिनॉल को अगर हम ध्यान से देखें तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये OH। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कार्बन sp2, ये कार्बन भी क्या हो गया हमारे पास में, sp2, क्योंकि हमने अभी कहा है कि अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, और ये एलिफेटिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल एल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इसी की डेरिवेटिव्स की बात करें, फिनॉल्स की हम अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर फिनॉल पे ऑर्थो पोजिशन पे अगर CH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं क्रिसोल, इसको हम बोलते हैं क्रिसोल। आपकी कितनी बार क्वेश्चन इसी के नेम से आते हैं। ठीक है, अगर OH के ऑर्थो पोजिशन पे फिर से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, OH के ऑर्थो पोजिशन पे, मतलब फिनॉल में ऑर्थो पोजिशन पे OH ग्रुप, तो उसको हम बोलते कैटेकॉल। ठीक है, ये आपको नेम्स याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर एल्कोहल, सॉरी, फिनॉल के ऑर्थो और मेटा पोजिशन पे भी क्या हो, OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम बोलते हैं पायरोगोलोल। ठीक है, तो ये तीन नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो OH ग्रुप से अटैच था उसके बारे में भी देख लिया है। उसके अंदर हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखा था, उसके बाद में हमने एलाइलिक देखा था और बेंजाइलिक देखा था। ठीक है, उसी तरीके से हमने कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके अंदर हमने विनाइलिक और फिनॉल के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर की मैंने अलग से वीडियो बना दी है जिसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो बच्चों अब हम चलते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम अब इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल। देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में अराउंड 96 पिकोमीटर होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड एंगल देखते हैं हम कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो वो है 108.5 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, और इसका जो एंगल होगा वो होगा लगभग 109 डिग्री। ठीक है, या फिर 109.28। ठीक है, तो इतना इसका एंगल होना चाहिए, बट एंगल कितना है आप देखिए, तो 108.5 ये टेट्राहेड्रल के जो बॉन्ड एंगल है उसके कंपेयर में कम है। तो यही क्वेश्चन पुट अप होता है कि
इसका बॉन्ड एंगल कम क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों? तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से सर्कल किया है, यहाँ पे दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, और जो ऑक्सीजन की टू लोन पेयर्स हैं, ऑक्सीजन के जो टू लोन पेयर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और रिपल्शन होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो लोन पेयर है ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को, ठीक है। जब रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़े से स्क्वीज हो जाएंगे, थोड़ा सा इनमें एंगल कम हो जाएगा। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है इनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, स्लाइटली कम हो जाता है, ठीक है। और देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुमको पता है ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की तरफ से और कार्बन की तरफ से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए बच्चों अगर जनरल फॉर्मूला मैं लिखती हूँ इस तरीके से CH3OH, तो क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव। इसी तरीके से ये कार्बन भी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है अपनी तरफ से, ऑक्सीजन को दे रहा है, थोड़ा सा मूव कर रहा है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, एंड कार्बन पे भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अगर हम इसको और सही तरीके से डिनोट करूँ बच्चों तो आई कैन राइट इट इन लाइक दिस वे CH3, तो यहाँ पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, एक इंड्यूस डायपोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, परमानेंट होता है। अगर इसकी डायपोल मोमेंट की बात करें मेथेनॉल के अंदर तो उसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो होता है 1.71 डिवाइड, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा दोनों तरफ से, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन से खींच रहा है और कार्बन से खींच रहा है तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड डायपोल मूवमेंट ऑफ द एल्कोहल।